Hi guys, welcome back to my YouTube channel and आज हम आपको लेके आए, can you guess it? No, let me give you some hint. Tan tan. Now can you guess it? Yes, you are right. We are in the world famous tulip garden of the Netherlands. जैसे कि इंडिया फेमस है अपने रिच कल्चर और अपने डिफरेंट फेस्टिवल्स को लेके, वैसे ही नेदरलैंड्स फेमस है अपने ट्यूलिप फील्ड्स को लेकर के। और हाँ, आप लोगों को एक और चीज बता दूं, ये वही जगह है जहाँ पे सिलसिला मूवी की देखा एक ख्वाब तो का गाना शूट हुआ है, जिसमें फीचर किया गया था अमित जी को और रेखा जी को, जो कि बहुत ही ज्यादा हिट था। उस सॉन्ग की शूटिंग इसी फील्ड्स में हुई थी। और ये देखिए, घुसते के साथ मुझे ये मिले जिनका नाम है टिल्ली ट्यूलिप। सो आज हम जहाँ पे आए हैं, दिस प्लेस इज नोन एज ट्यूलिप बार्न, जो कि एक प्राइवेट फील्ड है और उसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ आने के लिए आप ट्रेन यूज कर सकते हो। और यहाँ का जो स्टेशन है उसका नाम है हिलेगोंग, जहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का वॉक है, तो आप इजिली यहाँ आ सकते हो। और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ओपन फील्ड्स भी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने का ये बेस्ट जगह है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स भी इन्होंने लगा रखे हैं जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर पिक्चर्स। एंड यहाँ का प्राइस है 8 यूरो पर पर्सन, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और इस ट्यूलिप को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। सो लेट्स कम एंड एक्सप्लोर दिस ट्यूलिप फील्ड विद मी। और जैसे कि मैं आपको अभी अभी बता रही थी कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रॉप्स लगा रखे हैं जिससे आप पिक्चर्स ले सकते हो, तो दिस इज वन ऑफ देम। यहाँ पे इन्होंने एक चेयर एंड टेबल का सेट लगा रखा है, यहाँ पे आप चाहो तो पिक्चर्स ले सकते हो और फुल अच्छे से अपने पार्टनर या जिसके साथ भी आप आए उनके साथ अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपका टेबल है जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ के पीछे ट्यूलिप का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने झूला भी लगा रखा है जिसपे बैठ के आप ट्यूलिप फील्ड का व्यू एंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाई है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉप्स हैं, तो उसमें से एक प्रॉप की ट्रैक्टर भी है। यहाँ भी लोग आते हैं और बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं फैमिली के साथ, अकेले जैसे कि मैं करवा रही हूँ। और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये फुल, इसका व्यू भी आपको पीछे से बहुत ही अमेजिंग, अगर आप पिक्चर्स क्लिक कराओगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और मैं लेके चलती हूँ आपको ट्यूलिप फील्ड के, ट्रैवल करवाती हूँ विद दिस ट्रैक्टर। अरे नहीं, उससे ये फील्ड खराब हो जाएगा कभी। और यहाँ फील्ड के बीचों बीच उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हार्ट शेप का एक प्रॉप बना रखा है जिसपे आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। यहाँ पे एक साइकिल रखा हुआ है इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर टेकिंग पिक्चर्स, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आएंगी। और ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स इन्होंने जगह जगह पे प्लेस किया हुआ है, जो सब मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि बहुत ही, एक तो लंबी लाइन है तो मैं हर जगह जाके वीडियो नहीं बना सकती, बट जो भी पिक्चर्स मैंने लिया इन प्रॉप्स के साथ वो सब मैं डाल दूंगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, दैट इज नमस्ते नेदरलैंड्स, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूंगी। प्लीज फॉलो मी ऑन नमस्ते नेदरलैंड्स ऑन इंस्टाग्राम। और ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही क्यूट सा रंग बिरंगा स्कूटर भी लगा रखा है। एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर द फेमस वुडन शूज, जो कि डच लोग कहते हैं, क्लॉक्स कहते हैं इसको, तो ये भी यहाँ पे इन्होंने इन मिडिल ऑफ द फील्ड के बीचों बीच प्लेस किया हुआ है। इससे भी आप यहाँ पे रह के बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। और अगर जिनको नहीं पता है इसके बारे में, तो मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है अपने जानसिस कांस के वीडियो में, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखना। ऑल्सो ट्यूलिप फील्ड्स के जस्ट बाहर निकलते के साथ आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पे आप खा सकते हो, सिंस ट्यूलिप फील्ड में घूमते घूमते भूख लगी जाती है। और फिर हम आ गए क्यूकेन ऑफ गार्डन।
Now we are in Keukenhof Garden, which is very famous in Netherlands, and also Keukenhof Garden को बोलते हैं the garden of Europe. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ट्यूलिप बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन नेदरलैंड्स. आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर्स हैं. यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन फ्लावर्स एनुअली प्लांट किए जाते हैं. कैन यू बिलीव दैट? इट्स अमेजिंग, इज़न्ट इट? क्योंकि ये फ्लावर्स मेरे ड्रेस के साथ मैच कर रहा था. सो मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे कब आ सकते हो, कैसे आ सकते हो. बेस्ट टाइम टू विजिट क्यूकनॉफ इज फ्रॉम 15th of April टू मिड मे. बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे मिड अप्रैल में आओ, क्योंकि उस टाइम पे सारे फ्लावर्स अपने पीक पे होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं. तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर्स आ सकते हैं, आप रील्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे. अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और नमस्ते नेदरलैंड्स, वहाँ भी मैंने बहुत सारे रील्स बनाए हैं विद दिस ट्यूलिप. और अब आप यहाँ कैसे आ सकते हो, तो आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ सकते हो. यहाँ पे एक बस स्टेशन है, दैट इज क्यूकनॉफ बस स्टेशन. तो डायरेक्टली आप वहाँ पे आ सकते हो और वहाँ से वॉक करके आप यहाँ आ सकते हो. ऑल्सो आप यहाँ पे टिकट बाय कर सकते हो, आप टिकट बाय कर सकते हो एट स्कीफॉल एयरपोर्ट. ऑल्सो आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज क्यूकनॉफ.nl, वहाँ जाकर टिकट बाय कर सकते हो. और टिकट कॉस्ट आता है 19 यूरो पर पर्सन. वैसे तो ये क्यूकनॉफ गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है. तो अगर आप इसको प्रॉपर घूमोगे तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप टाइम सेव करना चाहते हो तो सबके लिए फ्री मैप्स है, तो आप यहाँ से भी मैप से देख सकते हो. और जहाँ जहाँ आपको जाना है अकॉर्डिंगली आप अपने स्पॉट्स पे जा सकते हो. और ये चीज़ बहुत ही सही चीज़ इन्होंने लगाई है. अगर आपको ट्यूलिप देख के अच्छा लगा और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके बोर्ड पे पढ़ सकते हैं हर ट्यूलिप का नाम लिखा हुआ है. ट्यूलिप का नाम है ट्यूलिपा परादे डिज़ाइन, कोई फैशन टाइप का नाम लग रहा है. और जितना कि इसका नाम फैंसी है उतना ही ब्यूटीफुल ये ट्यूलिप है. जैसे कि आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल कलर है और कितना ही अमेजिंग व्यू है. और यहाँ देखिए ये जो ट्यूलिप मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये गुलाब के फूल के जैसा दिख रहा है, बट ये ट्यूलिप है. कैन यू बिलीव इट? गाइज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना भूल गई कि मैंने अपना चैनल का नाम चेंज कर दिया है. नाउ इट इज़ नमस्ते नेदरलैंड्स. ऑल्सो मैंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया विच इज़ ऑल्सो बाय द नेम नमस्ते नेदरलैंड्स. सो ये था हमारा ट्यूलिप एक्सपीरियंस इन नेदरलैंड्स विच वॉज अमेजिंग. अगर आप इस सीजन में यहाँ पे आ रहे हो नेदरलैंड्स पे तो इस जगह को अपने चेकलिस्ट में ग्रीन कलर से टिक करो. और ये मस्ट विजिट प्लेस है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे. आई होप आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया हो. और अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड. तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ नमस्ते नेदरलैंड्स. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम दैट इज़ नमस्ते नेदरलैंड्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगी. टाटा.